आके यहाँ पे नगर पालिका वालों ने आके यहाँ पे अत्याचार करे। अच्छा, ये किसको है कि ना उठाने के आते, किसको कोई टाइम नहीं बोले, कुछ नहीं करे, गरीब लोगों का सामान तोड़ दिया, कुछ करे। और रात नहीं अतिक्रमण कहेगा इनको, ये डॉक्टर लाइन का अतिक्रमण नहीं, वजीराबाद का नहीं, करोड़े नाके का नहीं, कहीं का नहीं दिख रहा, मुस्लिम एरियो में इनको अतिक्रमण दिख रहा। और भी नहीं, ये घोर गरीब है कि नहीं, बैठ के कमा के दो पैसे खारे कर रहे हैं। नगर पालिका के जो टेंडर आपने दिया लिया, जो कोटा दिया लिया, कोटे को डेली चिट्ठी फाड़े इनको। यहाँ पे ट्रैफिक का इनको कोई मसला नहीं है, ये लोगों की वजह से कहीं का कोई मसला नहीं है। फिर भी ये लोग आके रात के टाइम पे गरीब लोगों का जो बंद करके दुकान चले गए, उनका आके तोड़ के जाती करके इनका सामान तोड़ के ये लोग चले गए। अभी हम आके रुकाए तो हमारे बोले कल आपको आप सुबह तक टाइम दे रहे, आप कमिश्नर साहब को मिलो, कलेक्टर साहब को मिलो, ये गौर गरीब जाके कहाँ बैठेंगे। इनके हाथ से आप एक सुविधा दो, आप रमजान का महीना है, वही गरीब लोगों ने लगाई है रमजान का एक महीने के हाथ से कमाने के लिए, ये गरीब लोग कहाँ जाना। आपने एक ने वजीराबाद चौरस्ते से लेके वजीराबाद चौरस्ते लेके आप एक ने महावीर चौक तक पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया आज तक। आपने एक ने तड़ोड़ नाके का अतिक्रमण नहीं हटाया आज तक, कभी मोहम्मदी रोड का हटाए नहीं, मोंडे का हटाए नहीं। आपको क्या गरीब मुसलमान के एरिया दिखते, हर बारी आते आप रमजान के टाइम पे कि मुसलमानों के एरिया में जो अतिक्रमण करो, गौर गरीबों का कौन है। आपने इनको क्या नगर पालिका के दुकान दिए, क्या दिए नगर पालिका की भी आप जो कॉम्प्लेक्स बनाए उसमें एक तो भी मुसलमान को दुकान दिए क्या, मेरे को ये बताओ। मेरा कमिश्नर साहब से कलेक्टर साहब से ये निवेदन है, ये मेरे को उनसे कहना है कि आपने एक तो भी दुकान दी है क्या गौर गरीबों को। एक सेकंड, कितना नुकसान हुआ इनका अंदाजा, क्या क्या हुआ, क्या करें इनके बल्लिया तोड़ दिए, इनका पूरा एक माल फेंक दिए फेंक दिए, कम से कम 50,000 का ये गरीबों का नुकसान हुआ। अभी जो बंद करके दुकान गए वाले इनको अधिकार क्या है, मतलब इन्होंने कौन सा परमिशन लेके आए, या इनको लेटर दिए, या इनको आगे सुबह बोले थे शाम तक आपके दुकान खाली हो जाना। एक स्टाफ आया, उन्होंने बोले मैं 2 घंटे पहले बोला, 2 घंटे पहले बोलने के बाद अतिक्रमण होता क्या। ये कमिश्नर साहब से मेरा कहना है जल्द से जल्द इनका एक ने ये सामान का भरपाई करे। हमारी ये कमिश्नर साहब से विनंती है ना, तो हम एक दो दिन में अगर ये नहीं भरपाई नहीं करते होंगे तो हम नगर पालिका के सामने अनशन पे बैठेंगे। ठीक, ये लोगों के लिए ठीक। अचानक से आज नगर पालिका वाले आए और हमारे सभी दुकानों वालों को तकलीफ दिए, पूरे दुकानों के सब बल्लियाँ वगैरह सब तोड़ दी, अचानक कोई वार्निंग नहीं कुछ नहीं। और हम डेली इसकी चिट्ठी फाड़ते, हमारे पास इसकी डेली की रसीद है, आज भी रोज़ की तरह हमने आज भी स्लिप भरे, इसकी पौती भरे नगर पालिका को, फिर भी उसके बावजूद अचानक आके हमारे सब दुकाना तोड़ दिए इन्होंने, कोई वार्निंग नहीं दी हमारे को, कोई किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दिए, अचानक आके हमारे ऊपर। और हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं है, हम जो है फुटपाथ पर नाली के पीछे है, नाली के आगे नहीं है, नाली की वजह को हमारी वजह से किसी का ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। अचानक आके हमारे को तकलीफ दी है पूरे नगर पालिका वालों ने, इसके लिए जो भी हो सकता हमारे लिए आप आवाज़ उठाओ। पक्के बांध काम कर रहे हैं वो, कोई पक्का बांध काम नहीं है, सब ये जो है सब लकड़ियाँ लगाए हुए हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं आप धूप कितनी खतरनाक है, इतनी गर्मी में अच्छा खाली आसमान के नीचे तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए थोड़ा बहुत लगाए हुए लकड़ियाँ मार के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई पक्का काम नहीं है, इसको थोड़ी हमने सलाब डाले हुए हैं जो पक्का काम करेंगे, दो लकड़ियाँ मार के सामने सिर्फ पर्दा लगा हुआ है ऊपर, इसके अलावा कोई अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहे मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें।